सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुमराज नगर परिषद कर रही है गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुमराज नगर में गणेश प्रतिमा घर घर में स्थापित की गई एवं आज विसर्जन के मौके पर नगर परिषद कुमराज द्वारा नगर में ऐलान करवाकर तमाम गणेश प्रतिमाओं को नगर के मुख्य दो चौराहे पर नगर परिषद के वाहनों में इकट्ठा करवाया एवं श्रद्धा पूर्वक प्रतिमाओं का विसर्जन मुख्य नगर परिषद अधिकारी CMO मिनी अग्रवाल के मार्गदर्शन में करवाया गया। विसर्जन के समय नगर परिषद कुमराज के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। कुमराज से KKR न्यूज रिपोर्टर सहेल अली खान। मैडम, जो अभी कुमराज में गणेश प्रतिमा विसर्जन हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? यहाँ पे हमने प्रयास किया है कि प्रशासनिक दृष्टि से कोई व्यवस्था बनी रहे कोविड की दृष्टि से, और इसमें दो जगह हमने वाहन को खड़ा किया है, एक भामावाद चौराहा पे और एक राजीव गांधी चौराहा पे, और यहाँ पर ही लोग अपनी अपनी प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रख के जा रहे हैं, और इसके बाद हम इसे सुख नदी में लगभग 6 बजे इनको विसर्जित करवाएंगे, और जो हमारा नगर परिषद प्रशासन और तहसील प्रशासन ही करेगा। अच्छा मैम, इसके अलावा और भी कुछ लोग जो पर्सनली जा रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ दल वगैरह बनाया वो तहसील से भी प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर मुनादी करा रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि लोग वहाँ तक ना जाएं, डायरेक्ट हमारी जो वाहन है उसमें ही खड़े हुए। कल से मुनादी हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, तो वैसे लोग इतने समझदार हैं कुमराज के, मुझे लगता है कि लोग नहीं जाएंगे। तो कोरोना की दृष्टि से मैडम और कुछ सुरक्षा इसके अलावा? यही सबसे बड़ी सुरक्षा है कि भाई लोग एक एक करके आ रहे हैं और वहाँ प्रतिमाओं को स्थापित करके जा रहे हैं और हम विसर्जित करेंगे। ये सर मैडम देखने को मिला था कि एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी कि ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनाएं, तो कुछ मूर्तियाँ ऐसी दिखी क्या, कोई बड़ी वगैरह किसी? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू।